क्या आपराधिक किस्म के लोगों को हमें वोट देना चाहिए? क्या गैंगस्टर, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मुकदमे दर्ज व्यक्तियों को हमें अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए? ये बड़ा सवाल उठता है। और मैं बता दूं, आज एडीआर ने एक सर्वे जारी किया है। एडीआर ने अपने सर्वे में बताया है कि 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर धाराएं दर्ज हैं। गंभीर धाराएं दर्ज होने के बावजूद भी वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मतदाता हैं वे किन्हें चुने? क्या जिन पर गंभीर धाराएं दर्ज हैं उन्हें चुने, या अच्छे छवि के नेता को चुने जो उनकी आवाज को संसद में रखे? ऐसे नेता को हमें चुनना पड़ेगा। आज हम उस गंभीर विषय पर बात करेंगे जिसे हम सोचते नहीं हैं, जिसे समझते नहीं हैं। चंद रुपयों की वजह से हम वोट किसी को भी दे आते हैं, चाहे वो आपराधिक किस्म का हो, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे उस पर तमाम ऐसे संगीन धाराएं दर्ज होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर उन्हें वोट दे देते हैं। गंभीर विषय है ये कि हमें पढ़ा लिखा नेता नहीं चाहिए, हमें अच्छे छवि का नेता नहीं चाहिए, इसलिए हम उन नेताओं को चुनते हैं जो अच्छे छवि के नहीं हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या वे हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचा पाएंगे जहां तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज हम इस गंभीर विषय पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस पार्टी ने अपने उन नेताओं को सिंबल दिया है, चुनाव के मैदान में उतारा है, जिन्होंने तमाम अपराध किए हैं, तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन सभी पे आज हम बात करेंगे और एडीआर का जो रिपोर्ट है वो भी आपको बताएंगे। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। जो प्रथम चरण का चुनाव है उसमें लगभग 1625 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और 102 सीटों पर एक घमासान जारी है। और मैं बता दूं 16% प्रत्याशी इसमें से ऐसे हैं जो आपराधिक किस्म के हैं, जिन पर लूट, बलात्कार जैसे तमाम ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे चंद्रशेखर रावण के बारे में, क्योंकि आज बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में चंद्रशेखर रावण का नाम जो है एकदम पहले ही चपका दिया गया था फोटो के साथ कि चंद्रशेखर रावण पर 36 ऐसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं जिस को लेकर के एडीआर ने ये जारी किया है। और मैं बताता चलूं आपको पहले कि चंद्रशेखर रावण इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, और इन पर 36 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसे लेकर के बड़ी ही गंभीरता के साथ हमें सोचना पड़ेगा। क्या चंद्रशेखर उस लायक हैं जिन्हें हमें चुनना चाहिए? ये नगीना के लोगों को सोचना होगा। पेशे से तो ये अधिवक्ता हैं, इनके पास नॉलेज अधिक है, लेकिन इन पे गंभीर ऐसे मुकदमे भी दर्ज हैं, अब ये आपको समझना होगा। बाकी और लोगों के विषय में हम बातचीत करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। और हम बात करते हैं 7 ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन पर हत्या के मुकदमा दर्ज हैं। 7 ऐसे प्रत्याशी हैं आपके बीच में जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं कि आपके बीच में उतारा गया है, और वो भी बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने ऐसे छवि को मैदान में खड़ा किया है जो आपराधिक किस्म के प्रत्याशी हैं। अब ये हमारी बातों को रखेंगे ले जाकर के संसद में। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी प्रखरता के साथ आपकी आवाज को वो संसद में जाकर रखने वाले हैं। और हम बता दें 18 उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो छेड़छाड़ के मामले उन पर दर्ज हैं, और ये साबित भी हुआ है कोर्ट में। इस प्रकार के नेता भी हम सभी के बीच में हैं जिन्हें पार्टियों ने पैसा लेकर या जैसे भी उन्हें टिकट दिया हो, इस प्रकार के छवि के जो नेता हैं वो हमारे बीच में हैं। अब सोचना आपको है कि मैं वोट किसे दे रहा हूँ? गंभीर विषय है, क्योंकि भारत जो है अब काफ़ी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इतनी नौकरियां मिल जाएंगी, इतने सस्ते दामों में आपको बाइक मिलेगी, इतने सस्ते दाम में पेट्रोल मिलेगा, इतने सस्ते दाम में आपको शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या वास्तव में ये चीज़ें हैं? ये सोचने वाली विषय है और ये गंभीर विषय है।
अब ये तय करना आपको है, क्या मैं जिसे वोट दे रहा हूं वो उस लायक है जो आपकी आवाज को संसद में रख सके। बाकी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। 100 ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। खैर, इनके पास धन कहां से आया, कैसे आया, ये हम लोगों का मैटर नहीं है। बाकी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति मौजूद है। एडीआर ने इस रिपोर्ट में तमाम ऐसे खुलासे किए जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा, लेकिन हम उन आंकड़ों को नहीं देखते हैं। हम जब चुनाव आ जाते हैं, जब वोट डालने जाते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को वोट दे देते हैं जिन्होंने हमें लुभावने वस्तुएं दिए होते हैं। चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले आपके घर पे कपड़ा पहुंचा जाते हैं, साड़ी पहुंचा जाते हैं, दारू पहुंचा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पहुंचा जाते हैं, और उनके अभाव में हम उनको वोट दे जाते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं करना है, हमें उचित प्रत्याशी को वोट देना है ताकि वो हमारे समाज का उत्थान कर सके, हमारे समाज का विकास कर सके। बाकी सोचना समझना आपको है। एडीआर का बहुत सारे आंकड़े मैंने आपको दिखाए और ये जो आंकड़े हैं वो वाकई में आप सभी को आश्चर्यचकित कर रहा होगा। व्यू जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, हर लोकसभा सीट से आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कैमरे के पीछे से हमारा सहयोग कर रहे थे शिवम पाठक जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एबीसी हिंदुस्तान।